अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सेवन्थ के लेक्चर नंबर 58 के साथ, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगे हैं एक्सरसाइज 6.4 का। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक से रीड करके बताऊंगी। कहता है इरम वॉक्स अप टू हर स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इरम जो है वॉक करके जाती है अपने स्कूल, और कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द स्कूल, उसको स्कूल पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं। जब वो कितनी स्पीड से चल रही है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर होम, तो बताइए कि उसका स्कूल जो है उसके घर से कितना दूर है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना डाटा लिखेंगे कि जो चीज़ें उसने हमें गिवन दी हैं वो क्या है। सबसे पहली पहला उसने हमें दिया है स्पीड, जो कि है 4 किलोमीटर पर आवर। हमने अपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में उसने हमें दी है, हमने अपने इसको हमने किलोमीटर पर मिनट में करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो उसने हमें टाइम की वैल्यू दी है वो मिनट्स में है। तो जब टाइम मिनट्स में है तो हमारा जो स्पीड है उसमें भी मिनट का होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, यू नो वेरी वेरी के 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो स्पीड को ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं, 4 किलोमीटर एज इट इज डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, आवर की जगह मैंने लिख दिया 60 मिनट्स, यू नो वेरी वेरी के 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इसके अलावा जो उसने हमें दिया है वह टाइम, टाइम उसने हमें दिया है 45 मिनट्स, और फाइंड आपने करना है डिस्टेंस। तो क्वेश्चन मार्क, तो बताया आपको फॉर्मूला बताया गया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जस्ट आपने ये वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालना है। लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपको पता चल गया, आपको बताइए मॉडिफाई करके आई है 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई टाइम आपके पास है 45 मिनट्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिनट में ये वैल्यू मिनट से कैंसिल, 5 1 5 1 कैरी 5 2 10 एंड 5 9 45, तो रिमेनिंग आपके पास है 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। अगेन कटिंग कर सकते हैं, 6 9 3 4 12, मजीद आप कटिंग कर सकते हैं, आपके पास रिमेनिंग है 4 से 4 कैंसिल, रहा 3 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। साथ ही हम सो द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम 3 किलोमीटर। उसको स्कूल से लेकर अपने घर तक का जो टाइम डिस्टेंस है वो उसका है 3 किलोमीटर, जो कि वो 45 मिनट्स में कवर कर चुकी है। किस स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। होप्स आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस ऑफ सीवर्स आपने डायरी है आपकी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।